हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम दिखाएंगे आपको इंडोस्कोपिक कैमरा जो कि हमने अली एक्सप्रेस से बाय किया है, और देखिए खोल के देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है हमको। और ये पैकेट निकला है एक इसके अंदर से, जिसके साथ कुछ एक्सेसरीज है, एक कैटलॉग है दोस्तों। में दोस्तों दिया हुआ है इसका लेंस जो है 8mm, 5mm और 7mm आता है, और इसका रेजुलेशन दिया हुआ है, इसकी वायर का साइज दिया हुआ है, और IP67 है ये, JPG ये इमेज क्लिक करता है, और AVI फॉर्मेट की वीडियो है इसकी। पावर सोर्स इसका 5 वोल्ट का है, और ये ओनली एंड्रॉयड पे का वर्क करेगा। हमारे पास जो कैमरा है, रिक्वेस्ट करूंगा जिन दोस्तों ने हमारा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इसको सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। और इसमें दोस्तों मिलता है हमको मिनी USB इंडोस्कोपिक कैमरा, स्मॉल हुक मिलती है, दो मैग्नेट हुक मिलती है, साइड इसके ऑडिशन है जो इसका वो होता है, फिक्स्ड सेट आता है इसमें फिक्स करने के लिए, तो माइक्रो टू USB एक लाइन होती है इसके साथ, एक मैनुअल है इसमें। और ये देख सकते हैं इसकी हुक है जिसको कि हम अटैचमेंट करके इसके साथ लगा सकते हैं। आगे चल के हम वीडियो में आपको दिखाएंगे इसका कैसे यूज किया जाता है। और ये साइड कैमरा है इसका, साइड रिफ्लेक्शन जिसमें आती है, कैमरे के आगे ये लग जाता है, और ये एक और अटैचमेंट है जिसके साथ की आपकी हुक लगेंगी जो साथ में आई है, ये हुक अंदर डाल के इसको ऊपर लगा सकते हैं आप कैमरे के ऊपर। और ये है इसका मेन कैमरा, USB इंडोस्कोपिक कैमरा। इसके आगे 6 SMD LED लगे हुए हैं व्हाइट कलर के, जो कि आपको अंधेरे में भी देखने में हेल्प करते हैं। और इसमें लगा हुआ है एक कैमरा, हमारे पास कैमरा है ये 5.5mm का है ये, और ये है 1 मीटर की वायर इसके साथ, और ये इसके साथ इसकी स्विच दिया हुआ है, ऊपर वाला स्विच जो वॉल्यूम टाइप है वो लाइट को कंट्रोल करता है, अगर आपने LED की लाइट कम या फिर ज्यादा करनी है तो इससे आप इसकी ब्राइटनेस सेट कर सकते हो। और ये है इसकी 3 तरह की अटैचमेंट्स, Type-C, माइक्रो USB और Type-A, आप इसको PC के साथ भी लगा सकते हैं। पुराने वर्जन वाले मोबाइल पे किसी पे दोस्तों ये वर्क नहीं करता, आपको बता दूं मैं। इसकी जो स्क्रीन है आपको ऐसे दिखाई देगी जैसे कि कैमरे में प्रॉब्लम है। और सबसे पहले हम अपने कैमरे में इसकी ऐप इंस्टॉल कर लेते हैं। ऐप इंस्टॉल करने के लिए हमने गूगल में जाके इसके कैमरे लेंस को खोल लेना है, और इसके QR कोड को स्कैन कर लेंगे जो इसके ब्रोशर में दिया हुआ है। ये एक लिंक खोल देगा जहां से हम ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप इंस्टॉल होने के बाद इसको ओपन कर लेना है हमने, और परमिशन मांगेगा, जो भी परमिशन मांगेगा आपको देनी पड़ेगी, लोकेशन की परमिशन और फाइल एक्सेस करने की। इस तरह दोस्तों ये ऐप ओपन हो चुकी है, अब इसके साथ हम अपना USB कैमरा जो है कनेक्ट करते हैं। और ये हमारा USB कैमरा वर्क करने लगा है, अभी आप देख सकते हो। सभी इमेज क्लियरली दिखाई दे रही है हमें, QR कोड देख सकते हो आप।
और आइए अब इसको अपने कोई और इक्विपमेंट के साथ इसको टेस्ट करके देखते हैं। सबसे पहले आपको दिखा दूं कि इसकी ब्राइटनेस कैसे ये कंट्रोल करता है। ये यहां से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो उसकी एलईडी की लाइट को। बहुत ही अच्छी ब्राइटनेस है इसकी। और ये हम आ चुके हैं अपने, मेरे पास है सबवूफर जो कि पीसी के साथ या फिर होम थिएटर के साथ आता है। कैमरे को इसके होल के अंदर डालते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या लगा हुआ है। और देखिए दोस्तों, ये इसके अंदर कुछ कंपोनेंट लगे हुए हैं जो कि हमें क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। इसकी वैल्यू भी आप देख सकते हो। हमारे यहाँ ये सॉफ्ट वायर कैमरा है, इसमें हार्ड वायर कैमरा भी आता है, इसलिए थोड़ा सा इसको कंट्रोल करना पड़ता है। इस तरह दोस्तों आप कहीं भी इसको, यहाँ पे आप इजीली नहीं देख सकते, वहां पे आप इसको लगा के देख सकते हो। और बहुत बढ़िया वर्क कर रहा है ये। और आइए अब आपको दिखा दें कि अगर आपके टेबल के नीचे कहीं आपकी कीज वगैरह गुम हो जाती है, जैसे कुछ पड़ा हुआ देखना हो, तो ये हमारी कीज नीचे पड़ी हुई हैं, इनको हम हुक की हेल्प से बाहर निकालेंगे। कैमरे के आगे हमने हुक लगा ली थी जो उसके साथ अटैचमेंट दी हुई थी, और देखिए ये इसको हुक में लगा के हम बाहर ले आए हैं। इस तरह दोस्तों आप इसको यूज कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।